हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड न्यू ट्रिक। आज एक ट्रिक के साथ मैं आपके साथ फिर पेश हुई हूँ और आज की ट्रिक जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप उसे देखेंगे और वो डेली आपकी, डेली तो नहीं कहेंगे लेकिन आपको जब भी प्रॉब्लम आएगी आप यूज़ कर सकते हैं और शायद ही यूट्यूब पर किसी ने इसको डाला होगा। तो ट्रिक को सुनिए आप लोग और उसको फॉलो कीजिए। ट्रिक ये है कि आज मैं ना होली के बाद, आज पता है आपको 7 डे है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो भी सामान इधर उधर है बचा वचा हटा देते हैं और होली तो आज लगभग ख़त्म ही है। तो होली के बाद मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो जब मैं होली के टाइम में बिज़ी थी तो मैंने जो भी गुजिया वगैरह बनाई कुछ बनाया तो थोड़ा बहुत जैसे ऑयल बच गया, बहुत काला हो जाता है ना बीच में, तो मैंने उसको क्या किया उसमें जो पूरे जैसे ये देखिए इसमें नहीं डाला क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाता काले ऑयल से। तो मैंने इसको क्या किया, बहुत थोड़ा सा बचा था तो मैंने ये कप में डाल दिया था। ये देखिए ऐसे कप में डाल दिया और उस कॉर्नर में रख दिया कि किसी का हाथ ना लगे और गिर जाए। लेकिन देखिए मज़े की बात यह है कि मेरे ही हाथ से आज गिर गया वो ऑयल। पता है मज़े की बात यह है कि आज उस ऑयल को मैं नहीं गिरा दिया, गिरा क्या दिया मतलब हाथ से लग के गिर गया। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ। अच्छा चूँकि फिर अगर मैं उसमें कपड़े लगाती ना तो कपड़े में उतनी मेहनत करनी पड़ती है, देखिए फिर मेरा नया कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा, मेरा पता नहीं कैसे ऐसे दिमाग चला, मैंने कहा चलो ठीक है, वहीं पर आटा रखा था, ये देखिए ये मैंने सुबह जो है पराठे बेले थे उसी के बचे थे, यही आटा मैंने डाल दिया और वो आटा डालने के बाद ऑयल फटाफट उसमें सूख गया। ये देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए ये नॉर्मल आटा, इसका कलर देखिए, ये ऑयल जो है सूखने के बाद का आटे का कलर देखिए कैसे हो गया। अब इसको जो है हटाना बहुत ही आसान हो गया है। इसको मैं किसी भी कपड़े से देखिए या कागज़ से अपना उठाऊंगी और फेंक दूंगी और उसके बाद फिर जो है नॉर्मल कपड़ा जो यूज़ होता है किचन में यूज़ कर लूँगी। इससे ये बेनिफिट है आपको ना कि आपका समय बचता है और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और आपका जो क्लॉथ होता है वो ऑयली नहीं होता है, क्योंकि किचन का क्लॉथ तो वैसे ही ऑयली होता है और अगर इतना ऑयल हम उसमें लगा देंगे तो बड़ा साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी आटे वाली आप बताइएगा ज़रूर, करना ही कुछ नहीं है आपको। अगर आप कहीं ऑयल या रिफाइन या कुछ भी आपको जो है ऑयली चीज़ या अचार वगैरह कभी गिर जाए तो कुछ करना नहीं है आपको, अपने कपड़े को नहीं ख़राब करना है। बस आपको थोड़ा सा आटा लेके आपको ऑयल की क्वांटिटी देखते हुए आटे को लेना है और आटा उस पर डाल देना है और उसके बाद वो धीमे धीमे सोख लेगा और देखिए सोख के कैसे कलर आ गया, ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद आप उसे आराम से जो है किसी कपड़े से या पुराने कपड़े से उठा के फेंक दीजिए और जो कॉमन कपड़ा यूज़ करते हैं आप ये किचन का वो आप यूज़ कर सकते हैं, फिर उसमें ऑयल नहीं लगेगा, ऑयल एकदम है ही नहीं है देखिए। अच्छा चूँकि कॉर्नर में था तो काफ़ी दिन से बचा था, आज मैं क्लीन करने लगी ना कोने कोने में हाथ डाल के तभी मेरे हाथ से लग के गिर गया कप और ये पूरा फैल गया। तो मैंने इस पर आटे वाली ट्रिक अपनाई। तो बताइए आप लोग को ये ट्रिक कैसे लगी और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। और अब तो सब लोग लगभग लगभग अपनी किचन की सफाई कर रहे होंगे, एक बार तो सफाई करते हैं होली के पहले और फिर करते हैं होली के बाद जैसे नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। तो क्योंकि होली में लोग बहुत सी क्रॉकरीज वगैरह निकालते हैं तो उसको सब हटाते बटाते हैं, सब अपने सेट करते हैं। तो कैसे लगी ट्रिक आपको बताइएगा जरूर, और ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी अच्छा हो जाए और जल्दी उनका काम निपट सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो और ट्रिक दोनों पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिक और नए ब्लॉग या नए वीडियो के साथ।